हा असीम ज आप फाइव फोर्टी से स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हो थोड़ा मतलब आगे बढ़ा के या बोल रहे हो कि मतलब पांच चालीस के पहले स्टार्ट कर लीजिए माइक लगाना क्या विचार है आ, थोड़े लेट से स्टार्ट किया जाए या स्टार्ट कर दिया जाए चार लोग हों एक लोग हों अकेला हूं उससे कोई मतलब नहीं है नंबर्स को मत देखिए क्योंकि नंबर ऑड टाइम है इस टाइम पे कहीं भी व्यूज ऐसे ही आते हैं पीपल आर स्लीपिंग आवाज आ रही है पहले तो हेलो स्नेहा स्नेहा भी सोई नहीं है लगता है ज वर्किंग टोल्स राइट सो देट्स इट अब मैं आप लोगों को मोटिवेशन देता हूँ सुबह सुबह के बाद ठीक है पहले पांच मिनट बातचीत हो जाए अच्छा सौरभ अनुवार बोल रहे आराम कर दो ठीक है मानस भी उठ गया गुड मॉर्निंग मानस चलिए सात लोग आ गए हमारे एक चीज आपको साफ साफ यहाँ पे बोल दे रहा हूँ थोड़ा सा पैनिक हो चाहे जो हो अब मैं आपको मोटिवेट भी करता हूँ प्यार से भी बताता हूँ वो भी ठीक है लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि आपके पास जो टाइम है अगला महीना पच्चीस दिन बीस दिन पूरा रिविजन के लिए होना चाहिए स वॉट आज ट्वेंटी फर्स्ट है मिला जुला के नौ दिन बचे हुए हैं पूरी कहानी जो है मेन्स की इंटरव्यू की रैंक की सर्विस की घर के भरोसे की दिल्ली में ढाका में रहने की जो है सारी चीजों की कहानी की शुरुआत से ही होती है प्रिलिम्स इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये क्लियर करके आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कल को मीन्स में नहीं भी क्लियर हुआ ना तो कोई फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है थर्ड अटैम्प्ट दे रहा है फोर्थ दे रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है अदरवाइज इंसान को पता ही नहीं चलता कि अगले प्रोसेस क्या है कम से कम प्रोसेस तो देखें तो ये ना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे हम हद से ज्यादा मेहनत करें नींद नहीं हो रही हो जबान लड़खड़ा रही हो फिर भी साथ में आप मेरे बैठिए कंप्लीट करिए क्योंकि ये कंप्लीशन अगर दो दिन में हो गया मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के पांच से सात क्वेश्चन आ गए हैं प्रोबेबली आपके स्पेक्ट्रम से सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर नहीं होंगे तो किसी के भी नहीं होंगे क्योंकि कुछ तो इधर उधर के आते हैं नया इनोवेशन नए इनोवेशन को कभी भी पकड़ने की कोशिश मत करिए ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन आते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करिए एग्जाम क्लियर करने के लिए उतना ही काफी होता है दस नंबर आकर यहाँ मान लीजिए पॉलिटी अगर अच्छे से कर लिया तो वहां पे आपके मतलब मुझे लगता है कि चालीस नंबर लेके थर्टी फाइव नंबर आप वहां उठा सकते हो फिफ्टी के करीब तो आप यहीं पहुंच गए बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा कोर्स कराया है वहां से कम से कम दस पंद्रह मार्क्स की जो है गुंजाइश है इकोनॉमिक अगर आप अच्छे से पीटी थ्री सिक्सटी फाइव और बाद के पोर्शन कर लें इकोनॉमिक सर्वे अगर कवर कर लें तो स्टैटिक वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं वहां पे तीस चालीस नंबर आप उठा सकते हैं ठीक से क्वेश्चन आए तो फिर थोड़े बहुत इधर उधर मिला जुला के सौ नंबर के क्रॉस करना मुश्किल नहीं है मुश्किल खाली ये है कि लास्ट में ये सितंबर के महीने में सब कुछ जो है सिमट जाए बाकी हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कर लीजिए तो क्या फिर दिक्कत है थोड़ा बहुत एनसीआरटी बचेगा दो तीन दिन में खत्म कर लीजिएगा इसलिए मेहनत कितनी भी बढ़े आप इसको साथ साथ कवर करिए और जो लोग डिले करके बाद में देखेंगे उनको बहुत परेशानी होगी क्योंकि इसमें बहुत ब्रेक्स हैं साथ साथ में ब्रेक हो जाता है पढ़ने के टाइम पे दिक्कत आती है लोग टू वेक्स में देखते हैं तो ना थोड़ा मोटिवेटेड रहिए अगला नौ दिन जो है बहुत इंटेंस होना चाहिए कोर्स कंप्लीट करना है उसके बाद रिविजन करना है अगर कोर्स हो गया तो रिविजन हो जाएगा अगर लेके जाते हैं दस तक, मत हो anyway, इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट यूनिट नंबर नाइन है और इसका जो पेज नंबर है यूनिट का वो फाइव जीरो वन है नई वाली बुक में इसके पिछले वाली बुक में जो है वो फाइव

तो इसमें बहुत कुछ कवर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव में लोकल बॉडीज वगैरह का भी हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन बता रहा हूँ जुडिशियल भी देखेंगे पुलिस का भी देखेंगे मिलिट्री का भी देखेंगे इससे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डेवलपमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने आपको पूरा पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन की वहां पे पॉसिबिलिटी है सारा मैंने वो टॉपिक करा दिया टेबल बना के तो जब मैंने टेबल बनाया था तो जो स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ इन पेजेस में उसकी भी डेटा मैंने टेबल में डाली थी और लक्ष्मीकांत की भी डाली थी तो यहाँ से इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बस वीडियो देख लीजिए लक्ष्मीकांत का पहला और दूसरा वीडियो दो दू घंटा लगेगा दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है हम यहाँ पे करेंगे जुडिशियल करेंगे अच्छा ठीक है नेक्स्ट चैप्टर होगा सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इनके पूरा सर्वे करेंगे क्या पॉलिसी थी फिर नेक्स्ट होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रोड फिर नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस फिर नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वुड डिस्पैच वगैरह सुनते हैं ना हर बार क्वेश्चन आता है वुड डिस्पैच वगैरह पे हर बार आता है उसका जो नेक्स्ट है वो प्रेजेंट मूवमेंट 1857 से 1947 इसी रात में कवर कर लिया गया है उसका नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास इसी रात में कवर कर लिया है तो मतलब क्या हो बच्चा वाले में भी हाँ किया हुआ है। उसके आगे जो सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज है इकोनॉमिक इंपैक्ट है और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस है एजुकेशन है वो चैप्टर किए जाएंगे कोशिश की जाएगी कि आज के दिन में खत्म कर लिया जाए फिर पीछे की क्रोनोलॉजी जो एक दिन में खत्म कर ली जाए तो चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स फाइव ट्वेंटी पेज पुरानी बुक में

ंड्रेड नाइन की जो मिंटो है वो भी कराया है उसके बाद नाइनटीन की जो जो रिफॉर्म है साइमन कमीशन वगैरह का डिस्कशन हो चुका है, लास्ट में आता है 1935, उसकी भी पूरी डिटेलिंग की है। ये पूरा आपका है, आपको यहां 520 से लेके 12 पेजेस जो है, आपको बिल्कुल नहीं देखने बुक से भी नहीं देखने में बोल रहा हूँ ये नहीं कि आप जाके पढ़ने लगना की सर नहीं पढ़ा मैं पढ़ूंगा नहीं वो वीडियो से करना है अब चलिए हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया अब आप सिविल सर्वेंट हैं, तो आपको तो नॉलेज होना चाहिए ना कि सिविल सर्विसेज के इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुए कौन थे जो इंडिया के पहले सिविल सर्वेंट बने डिस्कशन हो रहा तब सारी चीजें कवर हो जाएंगी ये है आपका पेज नंबर फाइव वन थ्री नई वाली बुक में और पुरानी वाली बुक में जो पेज नंबर ये है फाइव थर्टी थ्री दस का डिफरेंस है अब स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग कुश सौरभ आ रही है मानस आ, कुमार दीक्षित भी आ गए अच्छा कुश कुमार दीक्षित कुमार दीक्षित कुश हमारे प्यारे भाई हैं ओके okay, तो आपको गुड मॉर्निंग ग्यारह लोग आ गए हैं दस लाइक भी आ गए हैं दैट्स ए गुड नंबर स्टार्ट विद एक पानी का सिप ले लिया जाए ठीक है जब भारत आजाद हुआ था तो एक डिस्कशन उठा था कि क्या ये जो आपकी इंपेरियल सिविल सर्विसेज हैं उसको खत्म कर दिया जाए क्या ये आवाज क्यों उठी थी पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में आपको पता होगा ये जो ब्रिटिश की सिविल सर्विसेज थी चाहे उसमें इंडियन काम करे या उसमें ब्रिटिश काम करें वो इंडिया के लोगों के जो शोषण को होता था, था उसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हाथ था कांग्रेस के लोगों पे जो डंडे बरसते थे देखिए ना कलेक्टर को बुला लेते हैं कि ये फलाना कलेक्टर जो है कांग्रेस के मूवमेंट को अच्छे से दबाएगा डंडे बरसाएगा एक कौन लगाता है कलेक्टर ही तो लगाता है तो जब फ्रीडम हुआ इंडिया का तो एक डिमांड उठी कि क्या ये कॉलोनियल लेगेसी को गौरव करना इंडिपेंडेंट इंडिया में ठीक होगा कुछ जानकार लोगों ने बोला कि ये जो है इनकी नेचर ही है डंडे बरसाने की तो कल को ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उसके बाद ये अपने लोगों पे यही काम करेंगे इनके एक फ्यूडल कैरेक्टर है इनके अंदर की जो रूल करना है लोगों को दबाना है रिप्रेशन करना है तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ कि क्या इसको डिस्बैंड कर दिया जाए दूसरी बात ये भी आवाज उठी कि सिविल सर्विसेज कहीं ना कहीं फेडरल कैरेक्टर का है स्टेट की इंडिपेंडेंस कम हो जाती है क्योंकि आपको पता है कोई स्टेट चाहे तो सिविल सर्वेंट को सस्पेंड कर सकता है लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको जो है नौकरी से निकाल नहीं सकता फाइनली अगर नौकरी से निकालना है तो यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं स्टेट कमजोर पड़ रहा है नौकरी तो वो करता है स्टेट में जब तक सेंट्रल डेपुटेशन ना आए तो आपकी जो नौकरी मिलेगी वो तो स्टेट में मिलेगी सर्किट हाउस में ट्रेनिंग होगी आपकी ये भी उठा कि शायद ये स्टेट के खिलाफ है आवाज उठी जो भी हुआ लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बोलना था उन्होंने मैसेज दिया नया जो बैच था सिविल सर्वेंट को कि प्लीज 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 कोलोनियल लेगेसी मत लेके आना हम चाहते हैं कि तुम देश को जोड़ो लिंच पिन बनो तुम स्टेट में काम करो लेकिन सेंटर से जुड़े रहो और इंडिया में डेवलपमेंट को इन्फोर्स करो देखियो तुम परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो हम तो चेंज हो जाएंगे यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू डेवलप आवर नेशन यू कनेक्ट द सेंटर विद द स्टेट एंड योर जॉब इज सिक्योर्ड वी विल लुक इन टू इट स्टेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू सो डोंट वरी यू आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी तो इंपेरियल सिविल सर्विस नहीं इंडियन सिविल सर्विस है ना और ऑल इंडिया सिविल सर्विस खास करके आपको पता होगा तीन है शुरुआत में जो इंडियन पुलिस सर्विस थी वो थी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी बाद में चूंकि फॉरेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आई कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए स्टेट जो है अपने हिसाब से मैनेज करना चाहे सेंटर अपने हिसाब से मैनेज किया जाए तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी क्रिएट की गई कि इंडिया का जो फॉरेस्ट का भी जो है एक फेडरल कैरेक्टर में फॉरेस्ट को भी जो है रेगुलेट किया जाए बहुत जरूरी है तो ऐसे इन चीजों का जो बहस हुआ था इवोल्यूशन हुई थी सरदार पटेल का मैसेज तो चला गया लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैसेज को ठीक से सुना नहीं गया आज भी ब्यूरोक्रेसी बहुत बदनाम है ब्रिटिश टाइम के जैसे नहीं है कोई महान लोग भी हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे ब्लेमिश तो जरूर है करप्शन तो नहीं रुका इसमें कोई डाउट नहीं है बहुत हाई लेवल का करप्शन है और ब्यूरोक्रेट जो है इसमें लार्ज एक्सटेंट में इन्वॉल्व है इसमें कोई शक नहीं है दूसरी बात स्टेट उनको सस्पेंड तो कर ही देता है परेशान तो करता ही है वो चीजें भी हैं कई बार जो है सेंटर उनको यूज भी करता स्टेट के खिलाफ अब पढ़िए इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया द सिविल सर्विस सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट तो यही जानिए कि इंट्रोडक्शन कब हुआ तो कभी मत बोल देना कि मुगल टाइम हुआ था ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने इसको सिविल सर्विस को बनाया था तो इंडिया की जनता की सेवा के लिए नहीं बनाया था उनका एक कॉमर्शियल अफेयर था हर जगह अपना आदमी खड़ा करना था लोगों को रिप्रेस करना था बिजनेस चलानी थी एक मशीनरी बनानी थी और मशीनरी का ये पुर्जा थे मशीन थी जो मशीनरी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए जो पुर्जा चाहिए होता है जो बीच में जो लगते हैं नट वोल्ट उसकी तरह ये काम करते थे मैकेनिकल लोग थे और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर को चलाना है है ना जो भी टेरिटरी ब्रिटिश ने एक्वायर की उतनी बड़ी टेरिटरी हो रही है तो उसको सिविल सर्वेंट चलाता था ब्यूरोक्रेट चलाता था बंगलो होते थे इनफैक्ट इन द बिगनिंग द टर्म सिविल सर्विस वॉज यूज टू द ऑफ कंपनी इन कमर्शियल अफेयर फ्रॉम दोज एम्प्लॉयड इन द मिलिट्री एंड नेवल सर्विसेज आप खुद सोचो इतनी बड़ी बात थी मैंने आपको पहले सिविल का मतलब क्या बताया था जो आर्मी में ना हो तो सिविल सर्वेंट का मतलब क्या हुआ जनता की सेवा में नहीं कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए सिविल सर्वेंट बनाए गए थे जो सोचा था सिविल सर्विसेज तो जनता की सेवा के लिए नहीं सोचा था बोला कि देखो एक तरफ तो हमारी आर्मी है है ना एक तरफ हमारी नेवल फोर्सेज है तो ये सारी हमारी मिलिट्री है तो मिलिट्री का तो अफेयर अलग हो गया तो जो बच्चा जो हमारे चलाने के लिए वो सिविल सर्विस हो गया जनता के लिए सेवा नहीं सिविल सर्विस का मतलब वहां था बिजनेस चलाने के लिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी ग्रेजुअली सिविल सर्वेंट को जो है अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी तो शुरुआत हुई थी बिजनेस चलाने के लिए और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अब चले आइए मजेदार बात है कॉर्न का रोल क्या था यो यूपीएससी सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा यहां से कॉर्नवेलिस गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस टाइम पे तो आपके वाइस रॉय थे नहीं अठारह के रिवोल्ट के बाद वाइस रॉय बनते हैं गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के 1786 से लेके 1793 सात साल का काल लंबा काल था तो तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग इन टू एक्सिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विस पहला क्वेश्चन तो यही बन गया

सिविल सर्विसेज के लिए करप्शन अगर आपको रोकना है तो फर्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी बोलती है कि आपको उनका पहले तो सैलरी हाइक करो प्राइवेट के जॉब में आप चार बार जॉब चेंज करते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी में और अगर ऑन साइड मिल गया तो आप चार लाख पांच लाख कमाते हो सिविल सर्विसेज की रिटायरमेंट के टाइम पे इतनी जो है पेमेंट नहीं होती आज भी नहीं होती तो पैसों की कमी होगी तो अयाशी कितनी भी कर लो गार्डनर दे दो लेकिन पैसों की जरूरत तो होती है और खास करके इस पोजिशन में रह रहे हो तो पैसे और दिखाने भी होते हैं तो पहले तो ये बोल रहा है कि जो लीगल सैलरी है उन्होंने वो बढ़ा दिया कॉर्नवेल बता रहा हूं स्ट्रिक्ट ऑफ रूल्स अगेंस्ट प्राइवेट मैंने पिछले सेंटेंस में बोला कि सिविल सर्वेंट को बिजनेस संभालने के लिए बोला गया था तो वो कई बार कंपनी की जगह बिजनेस संभालने की जगह प्राइवेट ट्रेड करने लगता था कि होता है ना कल को आप ओला उबर बुक करोगे बॉटल हटा दू इससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही ना बोलते हैं आपको पता है जैसे ओला उबर बुक करते हो तो वो लोग आजकल कई बार जो है प्राइवेट ट्रेड करने लगते हैं ओला उबर बोलेगा कि मैं अपना ऐप ऑफ कर रहा हूं, आप जो है राइड कैंसिल कर दो मैं आपको डेढ़ सौ की जगह सौ रुपए में पहुंचा दूंगा क्योंकि उसको कंपनी को प्लेटफॉर्म वर्कर है ना उसको कंपनी को पचास रुपए देने थे या मान लीजिए कि कंपनी को साठ रुपए देने थे तो दस रुपए की बचत हो जाएगी तो ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट भी करते थे प्राइवेट ट्रेड करने लगते थे इससे किसको लॉस होगा कंपनी को लॉस होगा इसको चेक करने के लिए वहां से निर्देश आया ब्रिटेन से कि क्या कर रहा हो करप्शन के चक्कर में प्राइवेट के चक्कर में सारे तुम्हारे सिविल सर्वेंट परेशान कर रहे हैं तो पहले सैलरी बढ़ा दी दूसरा बोला कि प्राइवेट ट्रेड मत करो यार प्राइवेट ट्रेड मत करो स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आए कि अगर आपने प्राइवेट ट्रेड करा तो हम जो है आपको से निकाल देंगे डिबारिंग सिविल सर्वेंट फ्रॉम टेकिंग प्रेजेंट्स ब्राइव आज भी वो रूल चल रहा है आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपके घर पे कोई जो है प्रेजेंट लेके आ जाए तो नो इट शुड गो टू द गवर्नमेंट अगर कोई गिफ्ट भी देता है ऐसा मान लीजिए यू कैनोट एक्सेप्ट दैट बोला कि प्रेजेंट नहीं लोगे प्रेजेंट इज गिफ्ट ओनली और ब्राइव तो नहीं ही लोगे एनफोर्सिंग प्रमोशन थ्रू सीनियोरिटी जो प्रमोशन होगा जो आपको आँ.. क्या बोलते हैं अप्रेजल बोलते हैं ना किसी जॉब में आपका चेक किया जाता है कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए हाइक मिलना है कि नहीं मिलना चाहिए इसको अप्रेजल बोलते हैं तो बोलते हैं अप्रेजल जो होगा जो प्रमोशन होगा तो हो आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से होगा अगर आप पहले ज्वाइन करते हो तो आपको पहले प्रमोट करेंगे बट दिस रॉन्ग के हिसाब से तो ये भी होता है ना कि कई लोग जो है नॉन डिजर्विंग है वो आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं फेयर अप्रेजल का मतलब ये भी होना कि आपकी कितनी है और ये चीज आज तक नहीं हो पाई है सिविल सर्वेंट कितना भी काम कर ले प्राइवेट जैसा प्रमोशन नहीं होता और इसी कारण वो काम जो है ठीक से करना भी नहीं चाहते थोड़ी आपकी जो है जीएस टू की भी तैयारी हो रही है जीएस फोर की भी तैयारी हो रही है ठीक है क्या आ रहा है मैसेज इज इट डिलेड मैसेज ओके सॉरी आई गॉट कंफ्यूज तो बोलते हैं कि प्रमोशन हो तो आपकी सीनियोरिटी के बेसिस पे हो राइट right? <coughs> हटा दिया भाई।, भाई मेरे को क्या देखोगे मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ कोई पावर पॉइंट बना देता तो मैं करता ही नहीं बट दिस इज ए गुड वे ऑल्सो आप बुक खोल के आराम से इतमान होके एक तरह से ऑडियो हो गया तो प्रमोशन करो तो सीनियोरिटी के थ्रू आज भी ये प्रॉब्लम है अगर आप पांच साल दस साल काम ना कर लो तब तक आपकी जो है प्रमोशन नहीं होती भले आप कितना अच्छा काम करो उस पर कुछ को डिपेंड नहीं करता थोड़ा बहुत है गलत काम करोगे तो निगेटिव रिपोर्ट बन जाएगी लेकिन सही काम करोगे तो कुछ खास आपको जो है यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती बस ऐसे रहते आपको जो बस बसरते थोड़ा बहुत जो है कभी कभी जो है रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा एक प्राइज दे दिया जाएगा मीटिंग में दैट्स इट ये तो हो गया कॉर्नवेलिस का रूल कॉर्नवेलिस का रूल फिर से बोल देता हूं 1786 से 1793 करप्शन रोकने के लिए स्टेप लिए

तो 1800 में लॉर्ड वेलेसली आपका गवर्नर जनरल था, था ये भी साथ साल रहा था। कहां पे है कुछ गलत ना पढ़ा दो hmm. के हेस्टिंग्स नाम की जगह है वहां पे फोर्ट विलियम है म्यूजियम वगैरह बना दिया बाद में शायद तो फोर्ट विलियम में उसने बोला कि जो नए रिक्रूट आएंगे उनको ट्रेनिंग देंगे व्हाई?

लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है कंपनी वाले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले देश है कि नो अपना ठंडा मौसम है ट्रेनिंग वही करेगा हमारा बच्चा लप्सना यहां नहीं बनाएंगे कोलकाता में लप्सना जो है हम इंग्लैंड में बनाएंगे जगह थी हेलीब्यूरी इंग्लैंड में ट्रेनिंग देंगे कितने साल की ट्रेनिंग होती थी दो साल की नए रिक्रूट के लिए इंग्लैंड में ट्रेनिंग देते थे कल को तो बाद में यहां का भी जो सिविल सर्वेंट बनेगा नागरिक उसको इंग्लैंड जाना पड़ेगा खैर पहले ही पढ़ाया था चार्टर एक्ट एटीन

अपर सिविल सर्विसेज कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो बढ़िया वाले सिविल सर्विसेज हैं सारे को सैलरी जो होती थी 500 पाउंड्स पर एनम से या उसके ऊपर क्यों होती है हैज रिजर्वड ऑल पोस्ट्स वर 500 पाउंड्स पर एनम आपकी सैलरी उस टाइम पे 500 पाउंड पर एनम जो होती थी तो अपर सिविल सर्विसेज उसको हम लोग कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज बोले थे आगे आ जाएगा ना आगे आ जाएगा वो सारा कुछ डिस्कशन हो जाएगा Charter Act of 1793 had reserved all post worth 500 pounds per annum for the covenanted servants of the company. इसका मतलब आपके जो है Cornwallis ने कब शुरुआत की थी? Cornwallis ने 1786 से 1793 में Governor General रहा था. उसी दौरान उसने civil services की शुरुआत की थी. तो Cornwallis के time में ही 1793 में Charter Act भी आया था आपका. उस Charter Act में ये बोला गया कि जो भी civil services की salary per annum 500 pounds से ऊपर की है,

तो इंडियन कैसे करेगा बिजनेस चलाना है कंपनी का तो इंडियन कैसे चलाएगा वो तो इंडिया का सोचेगा साथ ही साथ आपको बहुत पहले से पता है कि लोग बोल रहे थे ब्रिटिश लोग कि इंडिया के लोग जो है अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है ये तो दबे कुछ ले रहे हैं रूल तो किया ही नहीं है तो ब्रिटिश बोलते हैं कि तुम इनकेबल हो दूसरा तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते धोखेबाज हो क्योंकि देखो वहां पे हमें जो है ब्लैक होल नाम का इंसिडेंट हुआ था कोलकाता में हमें जो है आपके नवाब ने कितना परेशान किया था कितने लोगों को मारा था धोखा भी देते हो बल्कि हम तुम्हारे लोगों को मिला के हमने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम तो किसी के विश्वास पात्र नहीं हो और साथ ही साथ ब्रिटिश के इंटरेस्ट के लिए सेंसिटिव नहीं हो तुम इंडियन लोगों का सोचोगे हो रही। जैसे प्रदेश के तो हम इंडिया के बाहर स्टेट को नौकरियां क्यों दें तो वो भी बोलते हैं हमारे अपने इत, इतने ऑफिसर बैठे हुए हैं हर कोई सिविल सर्वेंट बनके के बंगलो लेना चाहता है और पता है आपको यहाँ जो सिविल सर्विसेज में काम करता था ना माइंडसेट बिल्कुल आज जो है वैसी थी उनकी वहां की जो लड़कियां थी उनसे शादी करने के लिए बेचैन बनी है सिविल सर्विस इंडियंस वेर रियली इंप्लीमेंटेड एटीन फिफ्टी थ्री के पहले ओपन कॉम्पिटिशन के पहले थे बताया हुआ आपको लक्ष्मीकांत वाले ने थेरी में तो ओपन कर दिया लेकिन पे इंप्लीमेंट नहीं किया मतलब क्या होता है एक्ट तो तो ला दिए रूल्स नहीं लाए तो इंडियन के लिए खुली ही नहीं वो। 1857 क्या होता है? उसमें बोला गया ब्रिटिश इंटेंशन जो है अब है कि इंडियन को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि आप रानी के अंदर हो तो फिर जो है आप जो राजा रानी के अंदर हो तो आप हमारे लोग फ्री होगा इंपारशियल होगा सिविल सर्विसेज कोवेनेंटेड वगैरह सब कुछ अब देखिए इंडियन सिविल सर्विस एक्टला दिया उसी के लिए 1861 ये मैंने उस लेक्चर में नहीं पढ़ाया क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह नहीं है ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट यहां आया था अलग से याद भी रखिएगा 1861 में 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में क्या किया प्रोक्लेमेशन किया कि हम आपको भी मौका देंगे तो एक्ट लेकर आए 1861 ओपन करेंगे लेकिन दिस एक्ट रिजर्व सर्टेन ऑफिस फॉर कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स है पहले तो सारे कंपनी के अंदर थे लेकिन यहां पे जो है कोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स के भी जो पोस्ट हैं लोगों के लिए रिजर्व किए गए खोले गए जो भी करिए लेकिन ये एग्जाम जो होता था इंग्लैंड में होता था तो यहाँ के लोगों को ट्रेवल करके जाना है दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में होता था यहाँ के लैंग्वेज जो है इंग्लिश कई लोगों ने सीख ली ले थी लेकिन फिर भी कई लोग संस्कृत में विद्वान थे कई लोग पर्शियन में विद्वान थे कई लोग हिंदी उर्दू में विद्वान थे उनका क्या आज जो है यूपीएससी आपको सारे लैंग्वेज में मौका देती है एग्जाम देने का आपका एट थेड्यूल लेकिन उस टाइम पे ये लोग बताइए कि इंग्लिश छोड़कर कोई लैंग्वेज नहीं बेस्ड ऑन क्लासिकल रर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन साथ ही साथ इंग्लिश ही नहीं आपका जो क्लासिकल ग्रीक और लैटिन था मतलब आज को मैं बोलूँगी सिविल सर्विस बनने के लिए आपको संस्कृत और तमिल सीखनी पड़ेगी ऐसी बात है क्लासिकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ये सारी लैंग्वेज भी होनी चाहिए ग्रीक और लैटिन की थोड़ी जो है नॉलेज होनी चाहिए द एज ग्रेजुअली अब आगे आपका एंसर एटीन हंड्रेड फिफ्टी नाइन में एज जो था 23 था अब ये देखते हैं कि आ, इंडियन लोगों का तो एजुकेशन वगैरह में डिले होता है अब आप बताओ आज 32 की एज है इमेजिन उस टाइम पे 1859 में जब ओपन भी किया प्रोक्लेमेशन करने के बाद इंग्लैंड में 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 भले एग्जाम हो रहा, में हो इंग्लिश तो कितनी रखी रखी 23 की एज 1860 में उसको और घटा दिया 22 की एज और बारहवीं एज एज का बच्चा दो साल का ड्रॉप दी एज एज तो यहीं पे जो है आपका आंसर भी मिल गया पिछले लेक्चर का 1861 में ये एक्ट आया ओपन कर दिया एग्जाम भले इंग्लैंड में होगा तो हमारे एक विद्वान इंग्लैंड गए 1863 में टैगोर जो थे ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज नाउ रिमेंबर दिस ये स्टेट पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है बट आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू इंट्रोड्यूस अबाउट सत्येंद्रनाथ टैगोर इंट्रोड्यूस यू अबाउट सत्येंद्रनाथ टैगोर

क्योंकि ग्रीक और लैटिन की लैंग्वेज जाननी है और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की के वुमेन के इमेंसिपेशन में बहुत ज्यादा है ब्रिटिश राज के द्वारा ही वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ आ गया ना रविंद्रनाथ टैगोर के ये सेकेंड एल्डेस्ट ब्रदर थे ठीक है ओनली इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बोल रहे हैं ओनली इंडियन टू गेट ए नोबे प्राइज इन लिटरेचर वो रविंद्रनाथ टैगोर का है उनके बारे में नहीं जानना है तो ही वॉज द ब्रदर ऑफ सेकेंड एल्डेस्ट वगैरह मात याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे इतना याद रख लीजिए एक मिनट देखिए कोवेनाइटेड सिविल सर्वेंट को जो है ब्रिटिश ने खोल दिया था 1861 के बाद कि आप एग्जाम दे लीजिए लेकिन ये जो एक्सपरेंट थे उनको नॉमिनेट किया जाता था डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के द्वारा है ना एक कंपनी का डायरेक्टर जो होगा वो नॉमिनेट करेगा फिर जो है आप साइन करिए एक कोवेनाइटेड इंडेंचर एग्जैक्टली exactly, मैं वही चीजें जो है एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए साथ ही साथ आपके जो है दो गारंटर लेकर आइए पहले तो नॉमिनेशन चाहिए आपको डायरेक्टर से फॉर ए लॉन्ग टाइम एप्लीकेंट टू ब्रिटिश हैड टू बी ब्रिटिश ब्रिटिश पहले जो थे आपके एप्लीकेंट होने चाहिए था बट इन द मिड नाइनटीन सेंचुरी वन में बोला कि पोस्ट को इंडियंस के लिए भी खोल दिया और रिक्रूट्स की जो है वहां पे एग्जामिनेशन होती थी ये 1857 के रिवोल्ट के बाद किया गया था है ना आपके जो एक्ट आया था 1861 के उसके बाद ठीक है

दोनों गए अठारह में सिविल सर्विसेज में अपियर होते हैं 1863 में इनका रिजल्ट आता है वेबसाइट पे चेक करते हैं यूपीएससी के मार्क्स नहीं बताता है ठीक है तो इस तरह से जो इनके दोस्त नहीं क्वालिफाई करते हैं लेकिन ये जो है, कर लेते हैं। ट्रेनिंग जो है, उनकी वही होती है आपको पता ही है दो साल की ट्रेनिंग हुई ठीक है और लेकिन जो इनके दोस्त हैं वो क्वालिफाई नहीं किया ले बार में उनको कॉल किया गया बार मतलब वकील बन गए सरकारी सत्यन्द्र नाथवाज पोस्टेड टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनकी जो पोस्टिंग हुई होम पोस्टिंग नहीं मिला होम कैडर नहीं मिला बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पोस्टिंग हुई इनकी महाराष्ट्र में ठीक है उस समय पे गुजरात महाराष्ट्र और सिंध जो सारे थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही आते थे नाइस गुड नॉलेज ओके अच्छा और एक बात बाल गंगाधर तिलक का एक किताब था बाल गंगाधर तिलक का बॉम्बे में पोस्टेड थे बाल गंगाधर तिलक भी वहीं थे तो जब इनकी मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक से तो उनका एक गीत रहस्य नाम की किताब थी उनकी है ना उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था प्रोबेबली मराठी में होगी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा और जो तुकाराम संघ थे अभंग अभंग वाले आपको पता है ना अभंग ये महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट अभंग उसमें एक संत संतुकार थे आर्ट एंड कल्चर में करा दूंगा डोंट वरी उनके पोयम को भी उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया ठीक है अच्छा ए, अच्छा गीत राशि को भी बंगाली में ट्रांसलेट किया देखिए अच्छे ऑथर भी थे साथ ही साथ रविंद्राथ टैगोर ये याद रखिए थोड़े बहुत कभी कभी यूपीसी घुमा के ऐसी चीजें भी पूछ लेगा सत्येंद्रनाथ नाथ टूक एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्म समाज पूरी टैगोर फैमिली जो थी ब्रह्म समाज से प्रभावित थी तो ये आपके जो आईसीएस थे वो भी ब्रह्म समाज से प्रभावित थे अच्छे इंसान थे यार है ना महाराष्ट्र रीजन में जो है उनके क्लोज कॉन्टेक्ट आपके महादेव गोविंद रनाडे से थे वही प्रार्थना समाज वाले तो इनका जो है पूरा जो है डिस्कशन हो गया अब मुझे लगता है कि इसके अलावा जो है और कुछ डिस्कशन बाकी नहीं है वीमेन के इंसिपेशन के इमसिपेशन के लिए जो है आपके राजा राम मोहन रॉय के अंदर जो है इन्होंने अच्छा काम किया राजा राम मोहन रॉय ने जब भी विमेन के लिए काम किया तो पर्दा सिस्टम वगैरह का तो उन्होंने उसमें जो है बाद में उस मूवमेंट को आगे चलाया और दैट्स इट इसके अलावा कुछ जानेंगे नहीं 1863 में ऐसे जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट बिकेम बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालीफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज अब देखिए ए सिविल सर्विस इन 1878 से 1879 के बीच में लिट्टन था जो अफगानिस्तान के साथ वॉर वगैरह करता है है ना 1878 से 1879 के बीच जो लिट्टन था उसने उस टाइम पे उसने उस टाइम पे ए सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया था और बोला कि

उसमें से वन सिक्स जो है वो इंडियन हाई फैमिलीज के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और जो नॉमिनेशन आएगा आपके लोकल गवर्नमेंट वगैरह से आएगा और उसको जो Secretary of State, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर था इंग्लैंड में वो अप्रूव करेगा और अप्रूव करेंगे खुद भी था ना तब जाके वो जो है सिविल सर्वेंट बनेगा वन सिक्स नॉमिनेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सिटिंग इन द कैबिनेट मिनिस्टर एंड वाइस रॉय अपना पोजिशन हाई करने के लिए कि अपनी मर्जी का वन सिक्स लोगों को मैं

Can anyone share? Please share the e-book of Perspectum on Telegram. Yes, I can share. Uh, मैं आप चैनल पे हो या ग्रुप पे हो अभी डाल दे रहा हूँ यार सॉरी Sushmita, so please check the Telegram group now. You are on group or you are on channel? Okay, fine. I will share on channel also for some time. Forward message to the channel corridor channel. Done. You have the book. In the book, you have to open page number page number five hundred fifteen. This is the newest edition of this book. Uh, the re most recent one. ठीक समझ गए अब ये बताइए कि कांग्रेस भी तो कहीं इन्वॉल्व होगी इन डिस्कशन में तो कांग्रेस भी कुछ डिमांड करेगी कांग्रेस जो डिमांड करेगी उससे एक चीज रिलेटेड हो जाएगी इसको बोलेंगे अब बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते ए आई टी सी एच आई एस ओ एन है प्रोबेबली नाम में तो कुछ भी साइलेंट नहीं होता तो एटकिनसन एटकिसन बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे यार एटकाइसन बोलेंगे चलिए कुछ भी बोल लेते हैं आप इसका तो प्रोनाउंसिएशन भी मुझे नहीं मिलेगा चैनल पे होना ना सुष्मिता मैंने वहां भी शेयर कर दिया यू कैन डाउनलोड एंड ओपन द पेज नंबर 515 तो कांग्रेस की डिमांड और नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस की डिमांड और एचिनसन कमीशन कमेटी क्या थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने अपना डिमांड रेज किया था आफ्टर इट वाज सेटअप इन 1885 ये सारे तो ओपन हो गए पहले ही 1861 में 1863 में जो है सतेननाथ टैगोर जो है जो आईसीएस भी बन गए कांग्रेस बनती है 1885 में तो कांग्रेस बोलती है कि अब हमारी जो है सिविल सर्विसेज के हिसाब से कुछ डिमांड है फर्स्ट ऑफ ऑल लोअरिंग ऑफ एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट है ना जो डिमांड थी लोअरिंग जो की थी उन्होंने 19 साल की उसके खिलाफ थी इसको बढ़ाइए दूसरी बात एग्जामिनेशन जो है ब्रिटेन में करा रहे हैं ठीक है क्योंकि आपके ब्रिटिश लोगों को भी अलाउड है ये तो कॉलोनी है हम अब वो कलकत्ता तो देने नहीं आएंगे तो ठीक है वहां भी लीजिए यहां भी एग्जाम कराइए तो इसी में जो है एक साल बाद एक कमेटी बनती है मत भूलिएगा यूपीएससी कई बार पूछ चुका है पूछ लेगा एटकिंसन है ना एटकिन एटकिसन सॉरी एटकिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज 1886 इसको सेटअप किया था लॉर्ड डफरिन ने आपको याद रहना चाहिए कि जब कांग्रेस बनी थी तो हमारा जो वाइस था वो लॉर्ड डफरिन था बनाया था एओ ह्यूम ने एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे साथ ही साथ वो जो है थोसॉफिस्ट भी थे मेरे हिसाब से कुछ ऐसा था उनका ईस्टर्न सोसाइटी को समझने का कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े स्पिरिचुअल थे थे लेकिन आपके जो थे, आपके जो डफरिन वो उस टाइम पे मतलब गवर्नर जनरल थे मैं याद कैसे रखता हूं कि कांग्रेस बन रही थी है ना कांग्रेस बन रही थी और डफरिन को समझ में नहीं आया कि बनने नहीं देना चाहिए तो वो काइंड ऑफ जो थे वो डेफ थे उनको नहीं सुनाई दिया कि कांग्रेस बनती रही और देखते तो मैं उसके हिसाब से उसको डफरिन याद रख लेता हूँ

इम्पेरियल यहीं से क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो नाव सर्विस इंग्लैंड में चाहिए ना तो उनको बोलेंगे प्रोविंसियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसका कहा होगा आप खुद बताओ प्रोविंस चलानी तो कहा होना चाहिए एग्जामिनेशन छोटे लेवल का हो गया ना उसका एग्जामिनेशन इंडिया में होगा गॉट एट इंपेरियल इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम इंग्लैंड में होगा का इंडिया में होगा, और जो civil है, यहाँ पे नहीं, सर्विसनेट एंड इंपेरियल दो तर, civil services जो है, यहाँ पे उनका obviously, इंडिया में होगा और आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेज होते हैं अधिकतर स्टेट के तो खुले हैं दूसरे स्टेट के लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत जो है

सब ऑर्डिनेट सिविल सर्विस इंडिया में आप यह बताओ कि कांग्रेस की डिमांड पूरी हुई क्या नहीं हुई इंपेरियल इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम तो अभी भी इंग्लैंड में ले रहा है और एज लिमिट को जो है ट्वेंटी थ्री बढ़ा के कर दिया बोला तेईस साल में जो है सिविल सर्वेंट बन जाना अब चलिए एटीन नाइन थ्री में कांग्रेस ने डिमांड की 1885 में। और ये जो एडकेशन कमेटी आई वो आई एन एटी सिक्स में डिफ्रेंसिएशन खत्म कर दिया इंपेरियल इंडियन का बोला इंग्लैंड में प्रोविंशियल का बोला इंडिया में और सब ऑर्डिनेट का बोला इंडिया में

सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ जो है कई स्टेट में रिजोल्यूशन पास कर दिया डेव एन इम्पैक्ट नो दिस इज जस्ट यूर ओपिनियन दिस इज नॉट लॉ मेकिंग रिजोल्यूशन के थ्रू हाउस अपना एक ओपिनियन बनाता है मैंने मोशन और रिजोल्यूशन जो लक्ष्मीकांत का बहुत अच्छे से करा दिया है आप उसको चाहे तो लेक्चर में देख लीजिएगा इम्प्लीमेंट नहीं किया है ना यहाँ पे किम्बर ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेड इट इज इंडिस्पेंसिबल दैट एन एडिक्यम्बर ऑफ सिविल सर्विस शेल ऑलवेज बी यूरोपियंस तो बोलता है आपका किम्बरले वहां पे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसने इस रिजोल्यूशन को जो है एक तरह से हरा दिया अब बोला कि नहीं अगर वहां पे गवर्नमेंट चलानी है अगर वहां पे ट्रेड करना है तो एक खास मेजोरिटी जो वो यूरोपियन ही होना चाहिए कल को आप इंडिया में भी कराने लगोगे तो ये बेंगोली जो है ये जो मराठी जो है भर जाएंगे सिविल सर्विसेज में हमें दिक्कत करेंगे अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पे इसका नाम था किम्बरले आप मुझे यहाँ पे कमेंट में ये बताइए कि किम्बरले प्रोसेस क्या है ठीक है मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म पे चले जाइए 1919 में मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म ये पढ़ाया है मॉन्टफॉर्ड लेकिन ये सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ाया मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म स्टेटेड एंड रियलिस्टिक पॉलिसी एक रियलिस्टिक पॉलिसी लेकर आते हैं आप ऐसे लिख देते हो कौशिक कि डायमंड मुझे थोड़ा डिटेल चाहिए फर्स्ट कमेंट का मत सोचो चार पांच लाइन की भाई क्या है मतलब कौन सा डायमंड इज इट ब्लड डायमंड और समथिंग एल्स कौन सी जगह की बात हो रही है कहां है किम्बरले तो थोड़ा सा जो ना उस पर डिटेल डाली ताकि सब लोगों को हेल्प हो लगभग आपने सही बोला है आपने जो है आप सिंह जी आपने जो है लगभग इस चीज को सही बोला प्रीतपाल सिंह ने बिल्कुल सही खैर थोड़ा सा और किसी भी इसमें मिले तो डाल दीजिए

मोर इंडियस वी कैन एम्प्लॉय इन पब्लिक सर्विस द बेटर क्योंकि जो गवर्नमेंट बनानी है जो मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है तो अगर स्टेब्लिश अगर ऐसा करना है तो आप जो सिविल सर्वेंट है जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो भी इंडियन होना चाहिए यह स्टेटमेंट दिया था मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म में रिकमेंडेड होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड इंग्लैंड मॉन्टफॉर्म ने यह भी बोला कि इंडिया में भी एग्जाम कराइए इंग्लैंड में भी कराइए थैंक यू फॉर दिस

कि किम्बरले कोई जगह है क्या ये तो बताइए मुझे किम्बरले कोई जगह है कि नहीं है ये तो किसी ने नहीं बताया खैर और साथ ही साथ बोला कि रिकमेंडेड दैट ऑफ द टू बी इंडियन यहां पे आपका लिटन कोशिश कर रहा था कि वन सिक्स को मैं अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर दू लेकिन ये जो आपके मॉडफॉर्म रिफॉर्म में बात होती है कि वन थर्ड जो है रिजर्व होना चाहिए इंडियन होना चाहिए और साथ ही साथ हर साल वन पॉइंट फाइव परसेंट वो जो नंबर है इंक्रीज कर देना चाहिए समझ हो आप वन पॉइंट फाइव हर साल बढ़ा दो पहले वन थर्ड रखो बहुत अच्छी बात अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है ने पता नहीं कितनी भी बता और ने क्या रिकमेंड किया था तो कोई कॉमेंट करके बता दीजिए और ये भी बताइए कि इंडिया में जो है जो अभी तो यूनियन बजट और रेलवे बजट साथ में हो गया ना फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन बजट और रेलवे बजट को सेपरेट किसने किया था पहले तो साथ में ही था सेपरेट किसने किया था एक बार बताइएगा और कब किया था कौन सी कमेटी थी कौन सा कमीशन था किसने रिकमेंड किया था ली कमीशन की बात करते हैं सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स में 1924 में तो ली कमीशन ने बहुत अच्छे कुछ जो है दिए एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ अफ्रीका का जो है नॉर्थ केप प्रोविंस का एक जगह है किमबरले और साउथ अफ्रीका में जो है डायमंड की माइनिंग बहुत की जाती है इसीलिए ऐसा नाम पड़ा है वहीं पे मीटिंग वही हुई थी वहीं से ये प्रोसेस आया ली कमीशन 1924 अब कंप्लीट हो गया किम नेक्स्ट मुझे बता दीजिए रेलवे बजट का जो है स्टेट शुड कंटिन्यू टू रिक्रूट आईसीएस ठीक है स्टेट जो है वो आईसीएस का रिक्रूट करे द इरिगेशन ब्रांच ऑफ द सर्विस ऑफ इंजीनियर का भी रिक्रूट करे और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो थी उस टाइम पे उस टाइम भी थी उसका भी रिक्रूट करे दिक्रूटमेंट फॉर द ट्रांसफर्ड फील्ड देख रहे हैं सिविल सर्वेंट तो अलग अलग जगह काम करेगा ना तो बोलते हैं कि जो ट्रांसफर्ड फील्ड है जैसे एजुकेशन है सिविल मेडिकल सर्विस है ये जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्रूट कर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू आईसीएस ऑन द बेसिस ऑफ 50 50 पैरिटी बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियंस टू बी बेस्ट इन फिफ्टीन बोलता है पंद्रह साल में 50 50 प्रतिशत का जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराओ आईसीएस का 50 परसेंट यूरोपियन हो 50 परसेंट इंडियन हो साथ ही साथ यहीं पे जो है

and the process of indianization of the civil service did not put effective political power in indian hands since the indian bureaucrats acted as the agents of colonial rule yahi pe jo hai civil services pe bahut bada blemish lag jata hai ki wo log indian logon ko recruit wagera karenge bhi na to jo indian hai अब एक दो तो सत्यनाथ टैगोर की बात छोड़ो लेकिन ऐसा थोड़ी कि सत्यनाथ टैगोर जो अपनी job छोड़ के इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते नो ही वाज़ good person he translated books of ऑफ बाल Tilak

तो बोलते हैं जस्ट एज इंडियन वेयर सिस्टमेटिकली पॉलिसी मेकिंग सर्विस इंडियन को जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है शुरुआत से तो एक्सक्लूड कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो एंट्री बहुत बाद में दी है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी धीरे धीरे एक्सपैंड किया है नॉमिनेशन करवाते थे प्रिंसली स्टेट से हर जगह इंडियन को एक्सक्लूड कर रहे थे एक आर्मी ऐसी जगह थी जहां पे इंडियन को रखते हैं और वो भी बाद में जब देखते हैं कि नहीं अगर इंडियन बहुत रहता तो फॉलो नहीं करता ऑर्डर तो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है यूरोपियनाइजेशन भी होना चाहिए आपके मिलिट्री वगैरह का बट वो बहुत नहीं हो पाता क्योंकि उनकी फोर्सेज बहुत कम थी गुरखा है, है, लो हैं सिख हैं यूरोपियन सुप्रीमेसी वॉज अस्योर्ड इन दिविल सर्विस एज इन अदर स्पेस ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नेंस दिस वॉज डन इन मेनली टू वे यूरोपियन सुप्रीमेसी कैसे मेंटेन की पहला ऑल द इंडियंस है इंडियन सिविल सर्विस

हर कोई अभिनव सिंह थोड़े है कि उसको दुनिया की पच्चीस लैंग्वेज आएगी ऐसा नहीं होता मोर ओवर भोजपुरी है, <laughs> तो भा, है, है, है। बाकी भोजपुरी तो और मघी तो बिगड़ा हुआ फॉर्म हिंदी का है का कर रही है रे? आपको नहीं समझ में आया क्या का कर, रही है रे? क्या कर रहे ना ये कोई लैंग्वेज थोड़े है अब ठेठ भाषा एक होती है बिहार में पता है रे की हो गल कहा जाए समथिंग लाइक मैथिली से मिलता जुलता बट मैथिली का अपना एक हिस्ट्री है मैथिली के राइटर्स हैं ऑथर्स हैं भोजपुरी का तो थोड़ा बहुत है बट नॉट नोटिसेबल मोर ओवर द मैक्सिम इज फॉर अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन दिनेश पाटिल हेलो ठीक है मोर ओवर द मैक्सिमम इज फॉर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वॉज रिड्यूस फ्रॉम पहले बताया आपको ट्वेंटी थ्री एटीन फिफ्टी नाइन में था

जो अथॉरिटी की जो पोजीशन है आपको नॉर्मल दे देगा ट्रैफिक सर्विसेज ठीक अथॉरिटी तो दे 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 नहीं थी पावर नहीं था और ज़्यादा जो नहीं थी. दो 1918, जो था, उसके बाद जो है थोड़ा इंडियनाइजेशन तो होने लगा 50 -50 की बात हो रही है क्योंकि नेशनलिस्ट लोगों का प्रेशर था मॉडरेट्स बोल रहे कि यार बहुत साथ दिया अब जो है कुछ सुधार करो इंपॉर्टेंट एंड सीनियर पोजिशन कंटिन्यू टू बॉक्यूपाइड बाई यूरोपियन जब तक आजादी उनकी नहीं मिलेगी तब तक जो है अपनी अथॉरिटी वेल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट और सीनियर पोजिशन जो है अपने पास रखेंगे बट ग्रेजुअली ग्रेजुअलीम टू रियलाइज देशन ऑफ सिविल सर्विसेज है इंडियन कर भी दो तो उससे जो है पार जो है आपकी ब्रिटिश से इंडियन हैंड में आ गया ऐसा कुछ नहीं था

एड्रेस दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के डिपार्टमेंट से बता रहा हूँ डी आर पी जी से स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा था थैंक यू प्रीतपाल वेरी गुड प्रीतपाल क्या हो गए क्या लिखा प्रीतपाल ने रिटायर्ड टेक रिफाइंड टेक रिफाइंड टेक्नोलॉजी है आप तो खैर सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स अप्रैल 21 एवरी ईयर एज सिविल सर्विसेज डे

एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इन फोर्टी सेवन सिविल मेटकाले सिर्वेंट एजील फ्रेम ऑफ इंडिया वो जो उनका भाषण हुआ था सिविल सर्वेंट्स के लिए वेलकम करने के लिए जब उनकी जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर वहां से निकले थे है ना तो प्रोबेशनर को ही सॉरी तो प्रोफेशनर को डेली में किया था तो इसीलिए जो है हम लोग इस डे को सिविल सर्वेंट्स डे मनाते हैं फर्स्ट सच फंक्शन विज्ञान भवन न्यू डेली इन अप्रैल 21 2006 यहां से शुरुआत की है ठीक है अप्रैल सॉरी मतलब 2006 से शुरुआत किया सेलिब्रेट करना समझ गया अच्छा वैल्यू अब पढ़ेंगे पुलिस सिस्टम का इवोल्यूशन इंडिया में पुलिस और मिलिट्री के चार पेजेस साथ में करेंगे इसके पहले जो है हम छह अट्ठारह हो रहे हैं आ, आराम से कल धीरे धीरे करते हैं छह अठारह सिक्सर ट्वेल्वन ऑफ पुलिस सिस्टम ऑफ मिलिट्री का कैसा हो। वो भी थोड़ा थो आपको बताया मिलिट्री का यूरोपियनाइजेशन करेंगे सो लेट्स टेक ए ब्रेक ऑफ समाइम हाँ जी भी थोड़ा आराम से सो वी विल मीट आफ्टर टेन मिनट सिक्स थर्टी रहिएगा आप लोग धीरे धीरे और लोग भी आ जाएंगे प्लीज लाइव का स्केडूल एक बार बता दीजिएगा कौशिक कोई स्केडूल नहीं है यार जनरली ये शाम को या रात को दस बजे स्टार्ट होता है एंड एज पर माई एनर्जी आई कंटिन्यू बट एनी वे दिस इज गोइंग टू एंड टूमोरो